दिल्ली के भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में यूनियन के कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए और आज उनके साथ दूसरे दिन यूनियन के पदाधिकारी भी धरने पर बैठ गए हैं और इस धरने में सी और डी क्लास के कर्मचारी हैं और ये अपनी लंबे समय से पेंडिंग मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अंकित खान रोनी के बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल में यूनियन के कर्मचारियों की दो दिन से हड़ताल जारी है। आज दूसरे दिन भी यूनियन के पदाधिकारी अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे रहे। इन यूनियन कर्मचारियों में ग्रुप सी और डी के अस्पताल के कर्मचारी हैं और अपने लंबे वक्त से पेंडिंग मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। फिलहाल इनकी यह तीन दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल है। यदि इनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो भूख हड़ताल लंबी भी चल सकती है। फिलहाल इन्होंने घोषणा तीन दिन की हड़ताल की है और आज दूसरा दिन है। इन कर्मचारियों का कहना है कि ऊपर के बैठे अधिकारी सचिवालय में बैठकर पॉलिसी बना देते हैं और उन पॉलिसी को लागू नीचे के हम सब कर्मचारी करते हैं। इनकी क्या 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 समस्याएं होती हैं उसकी तरफ बड़े अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते। इनका कहना है कि आज तक वेतन में उन्हें सातवें वेतन आयोग का भत्ता जोड़कर नहीं दिया गया। इनका कहना है कि केंद्रीय कर्मचारी को सातवें वेतन का भत्ता जोड़कर दिया जा रहा है लेकिन वे दिल्ली सरकार के अधीन काम करते हैं तो उनको नहीं दिया जा रहा। इनका कहना है कि जब वेतन आयोग लागू हो जाता है तो उसका भत्ता क्यों नहीं अभी तक दिया गया। साथ ही इनका कहना है कि अस्पताल में ग्रुप सी और डी के कर्मचारी को दिल्ली के निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की सुविधा हो। कर्मचारियों की तीसरी मांग है कि पिछले दो साल से लैब कैंडर कार्य नहीं हुआ, उसे जल्द से जल्द रिलीज किया जाए जिसमें कर्मचारियों की पदोन्नति हो। चौथी मांग के तहत कर्मचारियों का कहना है कि अस्पताल में काफी पर कर्मचारियों के खाली हैं, इन खाली पदों में तुरंत नियुक्ति की जाए जिससे मरीजों को बेहतर सुविधा प्राप्त हो। साथ ही इनका कहना है कि 2004 के बाद बंद पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू किया जाए। इनके साथ ही मांग है कि कॉन्ट्रैक्ट के कार्यकर्ता सभी पदों के स्थानीय किए जाएं। साथ ही इनकी मांग है कि अगर हो सके तो डॉक्टरों की बात ही पैरामेडिकल स्टाफ की भी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाए और कलेक्स सुविधा सभी सदस्यों सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी जाए। इसी के मद्देनजर इनका कहना है कि इनकी अनदेखी की जा रही है, इस कारण इनका यह आंदोलन आगे अक्सर हो रहा है और दिल्ली के अस्पतालों में बड़ी हड़ताल भी हो सकती है। इनका कहना है कि 18 मई को केंद्र व दिल्ली सरकार का विरोध करते हुए ये सब पुतला दहन करेंगे और अगर फिर भी सरकार इनकी मांगे नहीं मानती तो 25 मई 2018 को सुबह 6 बजे से 26 मई 2018 सुबह 6 बजे तक सामूहिक संकेतक हड़ताल फिर शुरू हो जाएगी। फिर भी यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यह हड़ताल अनिश्चित काल बढ़ सकती है। क्या कहना है इसी? मेरा नाम अश्विनी कुमार है और यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर कर्मचारी यूनियन में मैं उपाध्यक्ष के पद पे हूँ और आज जो यहाँ हम एकत्रित हुए हैं वो सरकार के प्रति अपना थोड़ा रोष प्रकट करने के लिए, नाराजगी दिखाने के लिए। देखिए, वहाँ जो दिल्ली सेक्रेटरीट में या सरकार में जो भी लोग बैठे हैं, जो भी अधिकारी लोग बैठे हैं, तो वो बंद कमरों में जो भी पॉलिसी बनाते हैं इसी कमरों में बैठते हैं। उनका काम होता है खाली पॉलिसी बनाना और फाइल बनाना, लेकिन उसको आम जनता तक, मरीज तक, गरीब लोगों तक जो भी डिलीवर करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी होते हैं। अगर सरकारी कर्मचारी उनकी पॉलिसी को ढंग से डिलीवर नहीं करेंगे तो वे सारी पॉलिसी एक बंद कमरे में दबकर रह जाएंगे, उनका कोई वजूद नहीं रह जाएगा। तो लेकिन सरकारी कर्मचारियों को सरकार के प्रति थोड़ी आशाएं होती हैं, वो पूरी नहीं करते हैं। तो ये जो हमारी मांगे हैं ये बहुत साधारण सी मांगे हैं, हमने कुछ स्पेशल इसमें नहीं मांगा है। दूसरे नंबर की बात जो है, ये सारी की सारी मांगे दिल्ली सरकार में नहीं दी जा रही है लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को ये सारी मांगे पिछले 2 या 3 साल से दी जा रही है। तो हम ये पूछना चाहते हैं दिल्ली सरकार से कि हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है, जब केंद्र में मिल रहा है तो हमें देने में क्या प्रॉब्लम है? ये सेम टाइम ऑर्डर क्यों नहीं होते एंडोर्समेंट के, सेम टाइम ऐसा क्यों नहीं होता कि ये यहाँ पे अपने आप ही इस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए? हमें अपनी मांगों को लेके बार बार सड़कों पे उतरना पड़ता है, भूख हड़ताल करनी पड़ती है। तो ये सारी मांगे हमारी बहुत जायज सी मांगे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी की मांग हम करते हैं, इसमें डॉक्टर, नर्स, दिल्ली सरकार के बताते हैं। मैं सबसे पास हूँ, मैं यहाँ पे यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। हम यहाँ पे कल से स्ट्राइक भूख हड़ताल में बैठे, अभी हम खाली 4 इलेक्टेड मेंबर बैठे हैं। हम इसलिए बैठे हैं, हमारी जो दिल्ली सरकार अनदेखी कर रही है स्वास्थ्य कर्मचारियों की, खासकर हमारी कुछ मांगे हैं उनकी बिल्कुल अनदेखी कर रही है। हमारे पिछले 2 साल से डिमांड है, हम कई बार मिलने के लिए
हमने आगे लेटर भी दिया है लेकिन हमें न मिलने का टाइम दिया जाता है, हमें बिल्कुल अनदेखी किया जा रहा है। हमारी मांगे कुछ कुछ मांगे इस प्रकार है, हमारी एक तो सभी ग्रुप चीफ सी और डी के रिक्त पद है वो भरे जाएं। हमारे पास हमारा हॉस्पिटल पहले 50 बेड का था, अब 500 लगभग 500 का हो गया, लेकिन कर्मचारी उतने ही हैं जितने पहले से, कर्मचारी नहीं बढ़े, बेड बढ़ गए, कर्मचारी मरीज के आना बढ़ गया लेकिन कर्मचारी वही हैं। तो हमारी ये मांग है कि रिक्त पद भरे जाएं। दूसरा, हमारे एक सभी पदों के जो डीपीसी है वो पेंडिंग है बहुत सालों से, वो नहीं हुई है। 2004 से पेंशन जो ख़त्म कर दी है वो हमारी जारी रखनी की है कि 2004 से जो पेंशन बंद हुई है वो पहले की भांति लागू। आप जब धरने पे बैठे थे क्या आप अधिकारियों से मिले थे? हमने अपने एडमिन में तो इन्फॉर्मेशन दिया था, पत्र विवाद दिया था सबको, लेकिन हमसे मिलने कोई नहीं आया, संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आपका अपना नाम बताइए। राजेश कुमार गौतम। ग्रेजुएशन क्या? नर्सिंग ऑर्डर। क्या आज क्या समस्या है जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितने दिन के लिए करेंगे? मैं यहाँ पर यूनियन प्रेसिडेंट हूँ और अपनी टीम के साथ पिछले धरने पर बैठे, सरकार से हमारी 2 साल से लंबित मांगे हैं जब तक पूरी नहीं हुई है। सबसे पहली है ईसीए की, जो 2017 से जुलाई 2017 से लागू होना चाहिए था, अब तक नहीं लगाए। इसके प्रति कर्मचारियों में सरकार के प्रति बहुत बड़ा रोष है। और दूसरी, हमारी जल्दी से जल्दी जो रिक्त पद हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। तीसरा, लैब कैडर रिव्यू किया जाए, कैशलेस की सुविधा। जब आम जनता को सरकार कैशलेस की सुविधा दे रही है तो हम तो उनके अपने कर्मचारी हैं, तो सबसे पहले तो हमें देनी चाहिए। हम इसका फीस का पैसा लगाते हैं जब जाके अपना इलाज करा पाते हैं। तो सरकार से ये डिमांड है कि हमारी कैशलेस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए हमारे कर्मचारियों को। और अगर सरकार, अभी तो हम 3 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, हमारे प्रति अड़ियल रवैया रहेगा सरकार का, तो हम आमरण अनशन तक पे जा सकते हैं। ये हमारी सरकार को चेतावनी है। मैं संजीव कुमार तिवारी जो यूनियन सचिव पद पर हूँ, और ये जो हमारे राजेश जी की अध्यक्षता में जो भूख हड़ताल 3 दिनों की है, अगर हमारी मांगे दिल्ली सरकार ने नहीं मानी तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की और कर्मचारियों की सभी समस्याओं को देखते हुए हमारे राज्य वही सारी यूनियन का डिसीजन हुआ। और हमारे कर्मचारी भाई जिनको HPCA पिछले 1.5 वर्ष से नहीं मिला है और रिक्त पद भरे जाएं, काफ़ी डिमांड है, और जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होंगी तब तक हम ऐसे ही भूख हड़ताल करते रहेंगे। जय हिंद। जय संजय सिंह, कर्मचारी हूँ अम्बेडकर में। हम इनके समर्थन में हैं कि हमें जो सेवन के पे कमीशन ने बोला गया था वो पी सी अभी तक हमें लागू नहीं हुआ है। जुलाई से जो मैं मेरी पोस्ट एन नर्सिंग ऑर्डर ली और हमें अभी तक वो मिला नहीं है सेवन पे कमीशन का पी सी, उसके लिए हम हड़ताल पे हैं। एक कैशलेस की जो सुविधा है उससे हम बहुत परेशान हैं, वो भी हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही। तो हम इसीलिए गवर्नमेंट से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है उनको मांग माना जाए।